दोस्तों, वन प्लस जेड के बारे में लगातार नए लीक सामने आ रहे हैं, और जो कि पिछले ही दिनों ये स्मार्टफोन को सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट किया गया था, अब इस स्मार्टफोन के बारे में एक और नई लीक सामने आई है। और इस लीक्स में फोन के कई फीचर्स से लेके इसके कलर ऑप्शन के बारे में खुलासा हुआ है। साथ ही पिछले दिनों सर्टिफिकेशन वेबसाइट Geekbench लिस्टिंग में ये बात निकल के सामने आई है कि इसे मिड रेंज के 5G प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G के साथ लॉन्च किया जाएगा, और इस फोन को जुलाई के दूसरे सप्ताह तक लॉन्च किया जा सकता है। इसके लॉन्च डेट के बारे में जो अब तक लीक सामने आए हैं उसके मुताबिक इसे 11 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, वन प्लस जेड का जो नया रेंडर सामने आया है उसमें फोन के बैक पैनल के साइड में कैमरा पैनल देखा जा सकता है। फोन के फ्रंट में सेंट्री ओलाइड पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और इसका डिजाइन काफी हद तक सैमसंग के इस साल लॉन्च हुए स्मार्टफोन की तरह ही देखने को मिल जाते हैं। वहीं वन प्लस जेड के अब तक सामने आए फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल के साथ लॉन्च किया जा सकता है, और वहीं इसकी डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली फीचर्स देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कैमरे फीचर्स की बात करें तो फोन के बैक में 3 कैमरे सेटअप देखने को मिल जाएंगे, और यहां पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और साथ ही 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर दिया जा सकता है। और वहीं सेल्फी की बात करें तो फोन में पंच होल कैमरा सेटअप के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही वन प्लस जेड में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही ये स्मार्टफोन दो स्टोरेज ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 8GB रैम 128GB स्टोरेज, और इसके साथ ही 12GB रैम और 256GB में लॉन्च किया जा सकता है। फोन में पावर बैकअप के लिए 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ में 30 वाट की फास्ट चार्जिंग फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पे आधारित ऑक्सीजन OS 10 पे रन करेगा। इसके साथ ही फोन में ब्लैक, ब्लू, व्हाइट और साथ ही लिमिटेड कलर ऑप्शन में लॉन्च किए जा सकते हैं। दोस्तों, वन प्लस जेड की प्राइस की बात करें तो लीक्स के हिसाब से इसकी प्राइस $330 बताई गई है, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने पे इसकी प्राइस ₹25,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इसकी प्राइस 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में ही देखने को मिले।